नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल दांगी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल MP किसान पुत्र में। दोस्तों अभी हम जो खड़े हैं JS2172 के प्लॉट पर खड़े हैं। दोस्तों हमने इसकी पिछले वर्ष भी एक वीडियो बनाई थी जो कि आप लोगों ने काफ़ी उसको प्यार दिया था, तो इस वर्ष हम स्टार्टिंग में तो इसकी वीडियो नहीं बना पाए, पर अभी जो आज ये पूरे 92 दिन की हो चुकी है। कंडीशन आप देख सकते हैं, अभी पत्ते पीला पड़ना स्टार्ट हो चुके हैं और फलियों में भी हल्का सा पीलापन आ चुका है और पूरे 92 दिन की हो चुकी है। लेड वेराइटी है ये, अपनी 1135 जैसी ही वेराइटी है। लगभग 100 से 105 दिन में आप इसकी आराम से हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, मतलब हार्वेस्टर से भी कटवा सकते हैं। अगर मजदूर से या हाथ से कटवाना चाहते हैं तो फिर आप 95 से 100 दिन के अंदर अंदर आप इसकी हार्वेस्टिंग करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज हम जानेंगे किसान से कि इन्होंने कितनी बीज दल ली है और क्या सोयाबीन की कंडीशन है, कितनी इनने स्प्रे किए हैं, सभी की डिटेल में हम जानकारी लेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही आगे भी और भी सोयाबीन की वेराइटियों के ऊपर जो है कि वीडियो लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले हम किसान का नाम जानेंगे कि किसान का नाम क्या है और कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, तो आपका दर्शकों को नाम बताइए। मेरा नाम नितेन दांगी, ग्राम नोनीखेड़ी, जिला सीहोर, MP से मैंने। तो आपने कितनी जगह में ये JS2172 लगा रखी है? ये मैंने लगभग 1 हेक्टेयर में लगाई हुई है। 1 हेक्टेयर में JS2172 को लगा रखी है। आज कितने दिन की हो चुकी है ये? लगभग 92 दिन की हो चुकी है। दोस्तों 92 दिन की सोयाबीन की वेरायटी हो चुकी है। अगर हम बात करें इनसे बीज दर की, तो आपने कितने किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बीज दर रखी है? ये मैंने 35 किलो के हिसाब, एकड़ के हिसाब से रखी हुई है। किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी सीड रेट रखी गई है जी। कतार से कतार की दूरी कितनी रखी है आपने? इसने लगभग 1 फीट है। 1 फीट मतलब 12 इंच इसकी जो है कि कतार से कतार की दूरी इन्होंने रखी है। अब आपने इसमें स्प्रे कितने किए इंसेक्टिसाइड? मैंने 4 बार स्प्रे किया और इसमें फंगीसाइड भी डलवाया है। फंगीसाइड प्रियाक्सर फंगीसाइड डाला है, 4 बार इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी है जो कि किसान ने बताई है। आपने पहले ही वर्ष लगाई है या पहले भी लगा? प्रथम वर्ष से। तो दोस्तों आप चलिए देखते हैं सोयाबीन की कंडीशन किस प्रकार से अभी 92 दिन की अवस्था में सोयाबीन चल रही है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से सोयाबीन का पौधा बना है, काफ़ी जो है कि मोटाई पौधे ने ली है, आप नीचे से देख सकते हैं। और फलियों का अगर आप देखें तो लगभग 200 से 250 फली आपको एक ही पौधे में देखने को मिल जाएगी। रुएदार फलियां होती हैं। फलियों का अगर आप साइज देखें तो अन्य सोयाबीन की वैरायटियों से काफ़ी ज़्यादा जो है कि बड़ी इसकी फलियाँ होती हैं और दानों का साइज भी काफ़ी बड़ा होता है। तो यहाँ से आपको जो है एवरेज में काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। हम थोड़ा सा अंदर चल के भी देखते हैं। काफ़ी सारे किसान भाई बोलते हैं कि जो मेंढ वाली वो पौधे हैं वो दिखा देते हैं जिनमें ज़्यादा फलियाँ रहती हैं, तो आप दोस्तों अंदर भी आकर देख सकते हैं। लगभग सभी पौधों में आपको 100 फलियों के आसपास में देखने को मिल जाएगा, कोई भी पौधा आपको कमज़ोर नहीं मिलेगा। सीड रेट अच्छी रखने के कारण जो है कि ये आपको इतना जो है फलियों का भराव देखने को मिल रहा है। अगर इसकी जगह आप 40 से 50 kg अगर सीड रेट रखते तो फिर उस हिसाब से आपको इसमें फलियां देखने को नहीं मिलती। और आप देख सकते हैं लगभग 100 से 120 फली आपको पौधे में देखने को मिल जाएगी। और फलियों का जो साइज़ है दोस्तों वो काफ़ी बड़ा है अन्य वैरायटियों की अपेक्षा। जो हमारी 95-60 होती है और जो लेट वैरायटी में अगर 1135 की भी बात करें तो उससे भी साइज में जो फलियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं। मतलब दोस्तों दाना और साइज जो फलियों का है वो दोनों ही अन्य वैरायटियों की अपेक्षा अच्छा है। और एक इसमें खास बात यह है रुएदार फलियां हैं, तो चटकने की आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं मिलेगी। अगर आप इसकी जो है हार्वेस्टिंग 100 से 105 दिन में करवाते हैं, पूर्ण रूप से पकने के बाद भी करवाते हैं, तो बिल्कुल भी आपको खिरने की इसमें समस्या नहीं आएगी। अगर आप लेट वैरायटी लगाना चाहते हैं तो दोस्तों काफ़ी अच्छा आपको ये विकल्प यहाँ पर JS2172 का देखने को मिल जाएगा। जो किसान लेट वैरायटी लगाते हैं, जिन किसानों के खेत में नमी अधिक होती है, वो किसान भाई JS2172 सोयाबीन की वैरायटी को लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा इसका हमें जो है अभी की स्थिति में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और भी इधर आप देख सकते हैं जो है कि पूरे खेत में ही, ऐसा नहीं कि एक ही जगह हम आपको वीडियो बनाकर बता रहे हैं, जिससे कि काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि आप एक ही पौधे को दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कहीं पर भी अगर हम पौधे को देखेंगे तो इसी प्रकार से जो है कि पौधा आपको देखने को मिल जाएगा। 100 फली 120 फली किसी भी पौधे को आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से अगर देखेंगे। और फलियां पीली पड़ना स्टार्ट हो चुकी है, मतलब लगभग 8 से 10 दिन बाद इसकी आराम से हार्वेस्टिंग हो जाएगी। और अगर आप जो है वीडियो को प्यार देंगे, कमेंट ज़्यादा करेंगे, तो जिसकी हार्वेस्टिंग होगी उस दिन भी हम वीडियो बनाएंगे, एवरेज भी आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा किसानों तक और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो और कैसी लगी किसान भाई की JS2172 कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।